अच्छा, हम जो है वो टॉवर ऑफ हैनोई पे थे। अच्छा, टॉवर ऑफ हैनोई एक पजल है जो कि स्टार्ट होती है जहाँ पे आपको कुछ रॉड्स मिलती हैं और कुछ डिस्क मिलती हैं। इस केस में हमारे पास तीन रॉड हैं, ए बी सी, और तीन डिस्क हैं, ब्लू वाइट रेड। ठीक है। अच्छा, इसको गौर कर रहे हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ब्लू जो सबसे बड़ी है सबसे नीचे है, फिर वाइट जो उससे थोड़ी बड़ी है वो उससे ऊपर है, और जो रेड सबसे छोटी है वो सबसे टॉप पर है। हमें टास्क मिला है कि इन तीनों को सी पे मूव करवाना है। अब जो फर्स्ट सबके दिमाग में आएगा वो आएगा कि इन तीनों को ही उठा के हमने सी पे ले आए। तो जब हम टॉवर ऑफ हैनोई की बात करते हैं तो यहाँ पे तीन रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है। फर्स्ट रूल होता है, आप एक वक्त में सिर्फ एक डिस्क को मूव कर सकते हैं। ठीक है, एक वक्त में सिर्फ एक डिस्क को मूव कर सकते हैं। किसी छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं रख सकते, और जो आप डिस्क मूव करा सकते हैं वो सबसे ऊपर वाली डिस्क है। ठीक है, ये तीन रूल्स होते हैं। किस एक वक्त में सिर्फ एक डिस्क को मूव कर सकते हैं, किसी छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं रख सकते, और सबसे ऊपर वाली डिस्क को ही मूव करा सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है कि ये जो रेड वाली डिस्क है, क्योंकि यही सबसे ऊपर है और ये छोटी है, इस डिस्क को ए से उठा के हम ले आए सी पे। ठीक है, सी पे ले आए। अच्छा, अभी आपने जो है वो ऐसा नहीं है कि सी पे जो है वो तीनों ही आएंगी, नहीं तो नहीं आएगी कोई, ऐसा नहीं है। जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो हम सॉल्व करते करते सारी रॉड्स को मूव करवाएंगे। सर ने कहा था कि सर जो है वो डिफरेंट डिस्क का दे सकते हैं, जैसे हमारे पास तीन डिस्क हैं, तो सर ने कहा था हो सकता है वो चार डिस्क का दे दे, पांच डिस्क का दे दे। ठीक है, तो अब ये सर पे डिपेंड करता है, क्योंकि उन्होंने तीन डिस्क वाला पढ़ाया है तो आई डोंट थिंक कि वो तीन डिस्क का ही देंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या किया है कि यही सबसे ऊपर वाली डिस्क है और यही सबसे छोटी डिस्क है, तो इसी को क्या किया। अच्छा, ये गौर करें कि इन्होंने बी पे नहीं मूव करवाया, इन्होंने सी पे मूव करवाया। ठीक है, अब वो क्यों करवाया है ये भी हम देख लेते हैं। सही है। अब क्या हो गया कि ये सी पे आ गई, और क्योंकि ये सबसे छोटी है इसके ऊपर कोई बड़ी नहीं आ सकती, तो हम जो व्हाइट वाली है उसको हम ले आएंगे बी में। ठीक है, अब पता चलेगा कि हमने सी पे क्यों किया। क्यों? क्योंकि बी जो है वो व्हाइट जो है वो रेड से बड़ी है, तो हम उसको रेड के ऊपर नहीं रख सकते, लेकिन रेड को व्हाइट के ऊपर रख सकते हैं। और हमें जो ब्लू है वो जो कि सबसे बड़ी है, उसको अगर सी पे मूव करवाना है तो सी हमारा खाली होना चाहिए। तो क्या किया कि इन्होंने जो है रेड को सी पे कर दिया, व्हाइट को बी पे कर दिया। व्हाइट जब बी पे आ गए तो फिर सी को जो है वो रेड को जो है वो इन्होंने व्हाइट पे ले आए। तो ये बिल्कुल एक करेक्ट बन गया कि व्हाइट के ऊपर रेड है जो कि बड़े के ऊपर छोटे है। अब जो ए ब्लू है जो कि सबसे बड़ी है, क्योंकि सी खाली हो गया तो हमने ब्लू को मूव करवा दिया सी पे। ठीक है, अब हमें जो है ब्लू के ऊपर व्हाइट होनी चाहिए और फिर व्हाइट के ऊपर रेड होनी चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे कि रेड को जो है वो हम वापस वो रेड को हम ए पे लेके जाएंगे। ठीक है, फिर व्हाइट को जो है वो हम लेके जाएंगे ब्लू पे। ठीक है, रेड को हम लेके गए ए पे, तो ए कुछ इस तरह से हो गया, यहाँ पे ये ब्लू कलर नहीं है, ये रेड कलर है। ए पे जो है वो रेड है, बी पे व्हाइट है, सी पे ब्लू है। अब ये जो व्हाइट है इसको मूव करवा दिया हमने सी पे, तो ब्लू के ऊपर व्हाइट आ गए, फिर हमने रेड को मूव करवा दिया इसके ऊपर सी पे, तो ये हमारा हो गया बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, ये ब्लू आया, फिर व्हाइट आया, फिर रेड आया, ये होता है हमारा टॉवर। इन तीन रूल्स को याद रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसी का अगर हम चार डिस्क का देखें तो मैं एक वीडियो दिखाती हूँ, उस वीडियो रूल में दोबारा रिपीट कर देना, दोबारा ये चला, मैं दोबारा रिपीट ऐरोनेसा। हाँ, रूल रिपीट कर दो। ठीक है, मैं दोबारा रूल्स रिपीट कर देती हूँ। रूल्स में यह होता है कि आपको जब भी कोई पजल मिलेगी ना, उस पजल में कुछ नंबर ऑफ डिस्क होंगे जो इस केस में तीन है, और कुछ नंबर ऑफ रॉड्स होंगे जो कि इस केस में तीन है। रूल्स तीन ये हैं कि आप जो है वो एक वक्त एक डिस्क को मूव करवा सकते हैं। यार ये जिसका भी माइक ऑन है वो ऑफ कर दो। कोड नहीं आएगा इसका, सिर्फ एल्गोरिथम आएगा, इसकी डायग्राम भी नहीं आएगी।
मुकर्रम ने सर से कंफर्म किया था तो उसकी डायग्राम भी नहीं आएगी, इसका सिर्फ एल्गोरिथम आएगा और कोड आएगा। ओ सॉरी, कोड नहीं आएगा, सिर्फ एल्गोरिथम आएगा। अच्छा, इसके तीन रूल्स हैं। पहला रूल है कि एक वक्त में सिर्फ एक डिस्क मूव हो सकती है, यानी कि सिर्फ एक डिस्क मूव हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। कि अगर हमें ए से सी पे जाना है तो हम ऐसा नहीं कि तीनों को उठा के सी पे ले आएंगे, एक वक्त में सिर्फ एक मूव हो सकती है। दूसरा रूल ये है कि जो मूव हो रही है वो सबसे ऊपर वाली हो सकती है, ठीक है। यानी कि अगर हम वाइट मूव करवाना चाहें तो हमें पहले रेड को हटाना पड़ेगा, फिर ही हम वाइट को मूव करवा सकते हैं, बीच से हम वाइट को नहीं मूव करवा सकते। तीसरा रूल ये है कि किसी छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं आ सकती। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर रेड रख दी तो रेड के ऊपर हम वाइट नहीं लेकर आ सकते, ठीक है, वाइट को फिर हमें कहीं और रखना पड़ेगा। तो ये इसके तीन रूल्स हैं। एक वक्त में एक डिस्क मूव हो सकती है, जो डिस्क मूव हो रही है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, और छोटी डिस्क के ऊपर कोई बड़ी डिस्क नहीं आ सकती, ठीक है। अच्छा, अब ये है इसका एल्गोरिथम। अच्छा, इसके रूल्स ना यहाँ पे लेक्चर में लिखे हुए भी हैं, मैंने देखे थे। हाँ, ये रहे इसके तीन रूल्स, ठीक है। टॉप वाली होती है वही मूव हो सकती है। सर ने थोड़ा पता नहीं कैसे लिखे हुए हैं, जो मैंने बताए हैं उसको उसको जहन में याद रखना, और अपनी वर्डिंग में खुद ही रूल्स अगर आए तो लिख देना, ठीक है। अच्छा, ये है इसके एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है, क्या हो रहा है इसमें, स्टेप वन हम क्या करें, मूव एन माइनस वन। एन जो है वो क्या है यहाँ पे, एन जो है आई थिंक वो नंबर ऑफ डिस्क है, एन माइनस वन डिस्क फ्रॉम सोर्स टू ऑक्सिलरी। सोर्स क्या है, सोर्स वो है जहां पे हमारी डिस्क सारी होती है। ऑक्सिलरी होता है जो हमारी रिमेनिंग रॉड्स बच जाती हैं, ठीक है। सोर्स वो वाली रॉड होती है जहां पे हमारी डिस्क होती है, ऑक्सिलरी होता है जो रॉड्स बच जाती हैं। अच्छा, यहाँ इससे बताती हूँ मैं, ये जो हमारी है यहाँ पे एन जो नंबर है वो तीन डिस्क है हमारी, ठीक है, रेड ब्लू ग्रीन, ओ सॉरी रेड ब्लू वाइट। अब हमारे पास तीन रॉड्स हैं, इन तीनों रॉड्स के नाम होते हैं, ठीक है। जो जहां से हमारी ये जो डिस्क है जिस जगह पे, वो है हमारी सोर्स रॉड, जहां पे हमें इन डिस्क को मूव करना है, यानी कि जो फाइनल हमें दिखाना है वो होती है हमारी डेस्टिनेशन रॉड, जो कि यहाँ पे सी है। और जो रॉड्स बच जाती हैं बीच में, यानी कि जो ना सोर्स होती है ना डेस्टिनेशन होती है, वो हमारी कहलाती है ऑक्सिलरी। जी जी, क्विक सॉर्ट नहीं है और मर्ज सॉर्ट का भी कोड नहीं है। मर्ज सॉर्ट की अगर सवाल आएगा तो सिर्फ वर्किंग आएगा, मुकर्रम ने कन्फर्म कर दिया था यार। अच्छा, तो ये हमारी जो रॉड्स हैं इनके नाम याद रखना भी बहुत जरूरी है। तो क्या होता है, अच्छा ये जो है इसका एल्गोरिथम टाइप ही है, ओ सॉरी सूडो कोड टाइप, क्योंकि एल्गोरिथम में हम थोड़ी इंग्लिश ज्यादा लिखते हैं, सूडो कोड में हम वो कर लिखते हैं, कीवर्ड्स ज्यादा यूज करते हैं, सही है। तो यहाँ पे क्या किया है, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम क्या लिखा है, प्रोसीजर हेनोई, ठीक है। इसके अंदर हमने जो है वो तीन आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, ठीक है, कौन सा, डिस्क, सोर्स, डेस्टिनेशन, ऑक्सिलरी, ठीक है। डिस्क हमारी कितनी डिस्क है, इस केस में हमारी ए तीन डिस्क है। सोर्स हमारा कौन सा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना ए बी सी, तो सोर्स जो है वो हमारा इस केस में ए है। डेस्टिनेशन यानी कि किस कौन सी रॉड पे हमारी सारी जो है वो आनी चाहिए, तो ये इस केस में हमारा सी है। ऑक्सिलरी जो है इस केस में हमारा बी है, ठीक है। तो इफ डिस्क इज इक्वल टू वन, देन मूव डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगर जो डिस्क है वो है हमारी है ही सिर्फ एक, तो जो डिस्क है उसको सोर्स से डेस्टिनेशन पे मूव करवा दो। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, ये ना रेड होती ना वाइट होती, सिर्फ ब्लू होती, और हमें टास्क मिला है कि ये जो ए है इसको मूव करवा दो सी पे। तो हम क्या करते, सिर्फ इसको यहाँ से उठाते और यहाँ पे सी पे मूव करवाते। ये जो हमने इतने सारे स्टेप्स किए, ये कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो क्योंकि एक ही डिस्क है, हम कंपेयर नहीं कर सकते कि वो छोटी है या बड़ी है, सबसे ऊपर भी वही आ रही है, एक वक्त में एक ही मूव हो रही है। तो ये इसकी आ गई, इफ डिस्क इज इक्वल टू वन, देन मूव डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। एल्स कि अगर डिस्क एक से ज्यादा है, तो हेनोई डिस्क माइनस वन
सोर्स ऑक्सिलरी डेस्टिनेशन, ठीक है, डिस्क माइनस वन इन्होंने करवाया है. फिर क्या है, मूव डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट नहीं समझ आया. अच्छा, मूव एन माइनस वन डिस्क फ्रॉम सोर्स टू ऑक्सिलरी, सही है. मूव एंथ डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, मूव एन वन डिस्क फ्रॉम ऑक्सिलरी टू डेस्टिनेशन. अच्छा, यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट स्टेप किया था ना, कि हमने पहले इसको जो है वो हम यहाँ पे लेके गए, फिर इसको जो है वो हम यहाँ पे लेके गए, तो यहाँ पे भी इसी तरह से है. सबसे पहले जो है वो हमने डिस्क को जो है वो जो सोर्स था, क्योंकि जाहिर है एक से ज्यादा डिस्क हैं, तो जो ऊपर वाली डिस्क हैं उन डिस्क को हमने हटाना है. तो उस डिस्क को जो है हमने सोर्स से हटा के कर दिया ऑक्सिलरी पे, या जो भी है, हाँ ऑक्सिलरी पे ही करेंगे, या डेस्टिनेशन पे भी जा सकते हैं अगर हमारे पास स्पेस ना हो ज्यादा. जैसे यहाँ पे जो है रेड को हमने सबसे पहले डेस्टिनेशन पे रखा था, वाइट को हमने ऑक्सिलरी पे रखा था, फिर रेड को हमने डेस्टिनेशन से हटा के ऑक्सिलरी पे रखा था, फिर हमने इसको जो है सोर्स से हटा के डेस्टिनेशन पे लेके गए, फिर रेड को जो है वो हम ऑक्सिलरी से सोर्स पे लेके गए, फिर वाइट को ऑक्सिलरी से हम डेस्टिनेशन पे गए, और रेड को हम सोर्स से डेस्टिनेशन पे लेके गए. तो यहाँ पे जैसे स्टेप लिखे हुए हैं, अच्छा मैं बताती हूँ, मैं बस ये एल्गोरिथम कंप्लीट कर लूँ फिर बताती हूँ. मूव एन वन डिस्क फ्रॉम सोर्स टू ऑक्सिलरी, सोर्स से ऑक्सिलरी पे हम लेके चले जाएंगे जो भी हमारी डिस्क है, फिर जो हमारी सबसे बड़ी वाली डिस्क है उसको हम जो है सोर्स से डेस्टिनेशन पे लेके चले जाएंगे, फिर जो हमारी जो डिस्क थी जो बड़ी से छोटी थी उसको हम ऑक्सिलरी से डेस्टिनेशन पे लेके चले जाएंगे. तो ये स्टेप्स हैं, इस एल्गोरिथम को आप रट लीजिएगा, ये लाजमी आएगा. सही है, तो इतना ही आएगा, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा. हो सकता है सर उसके रूल्स पूछ लें, बोल देंगे इसका एल्गोरिथम लिख दो और इसके रूल्स भी बता दो, लेकिन इसकी डायग्राम नहीं आएगी. अगर डायग्राम आती है तो वो भी आप लोग आसानी से समझ सकते हैं. अच्छा अच्छा, अगर इसकी डिस्क बढ़ेंगी तो जब भी एल्गोरिथम का यही रहेगा साइज. हाँ, एल्गोरिथम यही रहेगा, यही रहेगा, क्योंकि इसमें आप देखो तो इफ में जो है वो सिर्फ वन की हम बात करें तो वन पे तो बस ऐसे ही मूव करवा दो, एल्स पे फिर हम ये सारी कंडीशन लेके आ रहे हैं, यानी कि वन से ऊपर कोई सा भी नंबर हो सकता है. ठीक है, इसमें जो एनर्ड डिस्क जो लार्जेस्ट डिस्क होती है ना वही एनर्ड डिस्क होती है हमारी. हाँ, जो सबसे बड़ी डिस्क है ना वही एनर्ड डिस्क है. बिल्कुल बिल्कुल, तो यही है कि मूव एन माइनस वन डिस्क को जो है वो हम सोर्स से ऑक्सिलरी पे ले जाएं, और फिर जो हमारी एन डिस्क है यानी कि जो सबसे बड़ी है उसको हम डेस्टिनेशन पे ले जाएं. अब देखो कि यहाँ पे जो है हमारी सोर्स से जितनी भी छोटी आएंगी वो ऑक्सिलरी पे जाती रहेंगी, इधर उधर होती रहेंगी, फिर जो सबसे बड़ी आएगी उसको हम डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे. ठीक है, फिर जो है जब वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगी, फिर जो n माइनस वन डिस्क है उसको फिर हमें एक 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 करके ऑक्सिलरी से डेस्टिनेशन पे लेके जाएंगे. तो ये है इसका एल्गोरिथम. अच्छा, स्टैक और क्यू के सवाल जो हैं वो स्टैक का आई थिंक इस तरह से आ सकता है कि वो ये कह दें कि या तो सिंपल स्टैक का कोड लिखो, या फिर कह दें कि स्टैक का जो है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स लिखो. अच्छा मुकर्रम, एक बात कंफर्म कर देना कि आप जो स्टेप्स कह रहे थे वो यही वाले स्टेप्स है ना, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स के. जी यही था. सही है, तो ये एक तरह से समझ लो ये एल्गोरिथम है, रूल्स लिखा हुआ है. तो अगर सर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स देंगे तो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में इसके इन 8 पॉइंट्स के अलावा कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, और अगर स्टैक का सवाल पूछा जाए तो या सर स्टैक और क्यू, या तो सर सिंपल कह सकते हैं कि स्टैक और क्यू का कोड लिखो, या फिर वो कह सकते हैं कि स्टैक से ये वाला डेटा स्ट्रक्चर बनाओ, या फिर कह सकते हैं कि क्यू से ये वाला डेटा स्ट्रक्चर बनाओ. तो स्टैक और क्यू के इस तरह से सवाल आ सकते हैं. अच्छा, ये स्टैक का एक क्वेश्चन
स्टैक का एक और सर ने करवाया था ना कि वो जो एक्सप्रेशंस पुश करनी थी स्टैक में, तो उस वो नहीं आ सकता सवाल पुश, वो तो वही तो सिंपल होता है ना स्टैक, स्टैक का नॉर्मली कोड में पुश ही तो करते हो तुम। हां पुश करते हो, मैंने कोड की बात नहीं कर रहा मैं, करते हो जो पूरी एक्सप्रेशन थी पहले स्टार जा रहा है फिर नंबर जा रहा है उस वाला सवाल जो मैं बात कर रहा हूं वही वाला जिसमें एडिशन वेडिशन करनी है ये हाँ, वाला ये वाला सवाल ये वाला सवाल जो नहीं नहीं ये नहीं देंगे वो, ये बस समझाने के लिए है जो वो आठ स्टेप्स हैं बस वही लिखना होंगे। हाँ अगर आप आठ स्टेप्स के साथ कोई एग्जांपल दिखाना चाह रहे हो तो फिर इससे एग्जांपल उठा के दिखा सकते हो। सही ठीक है अच्छा मुकर्रम। अच्छा मैंने ना एक और चीज सर से पूछी थी मैसेज पे कि वो जैसे हमारे सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम है ना सर, इसका आपने सर से पूछा कोई एक बोले मैं कह रहा हूँ सर से मैंने एक चीज पूछी थी मैसेज पे जो सर्चिंग सॉर्टिंग या एल्गोरिथम्स है ना, तो सर ने कहा था कि अगर जैसे बहुत सारे हैं और इनका कोड लिखने को आता है तो अगर आप एग्जैक्ट कोडिंग आपको जावा की नहीं आती तो आप उसका ना स्यूडो कोड एल्गोरिथम हाँ, नहीं आप स्यूडो कोड भी लिख सकते हो, वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। बेसिक लॉजिक अगर आपको क्लियर है तो आप स्यूडो कोड लिख देना सबके, मैं उसमें एक्सेप्ट कर लूंगा। बेस्ट है। और कोई दूसरा भी कोई सवाल कह रहा था? Infix to postfix पर सवाल कर रहा था कि अगर इसकी कोडिंग नहीं है तो सिर्फ ये 7 स्टेप्स लिखना है। 8 स्टेप्स हाँ बस यही है, इसके अलावा नहीं। अच्छा क्योंकि इसकी कोडिंग बहुत मुश्किल है। हाँ बहुत ही कोडिंग नहीं लिखनी, कोडिंग नहीं लिखनी। अच्छा इस बार अगर सवाल देंगे सर ने बताया था कि फर्स्ट लेक्चर से 2 सवाल आएंगे, लिंक्ड लिस्ट से 2 सवाल आएंगे और बबल सॉर्ट से 2 सवाल आएंगे, तो ऑलमोस्ट 6 सवाल ये हो गए और सर ने बोला था एक बोनस सवाल आएगा। लेकिन सर जो है तो वो 7 सवाल में जो है सर और करके देंगे, 7 में जो है वो और करके देंगे, तो 7 14 और बाकी 2 सवाल 16 आई थिंक 16 क्वेश्चन आएंगे और एक बोनस आएगा जिसमें करने बस हमें 9 होंगे। सर ने लिखा था ना कि 7 सवाल ऐसे होंगे जिसमें और करके आएगा, तो यानी कि एक सवाल में 2 सवाल होंगे, ए भी पार्ट हाँ 2 पार्ट्स होंगे। मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा जो मुश्किल चीजें हैं वो लिंग्विस्ट वाली लग रही है मुझे, वही बहुत अहम। जी जी मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल लिंग्विस्ट मुश्किल है क्योंकि उससे काफी चीजें होगी। लिंग्लिश का अच्छा हाँ लिंग्लिश मैं बता दूं, उसामा अहमद है ना उसने वीडियो बनाया है तो वो वीडियो अपलोड करेगा तो वो लिंग्लिश देख लेना, तो लिंग्लिश वहां से हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है अच्छा मैं एक ये टावर ऑफ हैनोई का वीडियो चला रही हूँ, आप लोग देख लो उसको एक दफा। अपलोड कर दिया उसामा ने, अपलोड कर दी है वो लिंग्लिश वाली वीडियो कर दी है बस सही है, वहां से देख लेना तो समझ आ जाएगा। ये वीडियो देख लो एक दफा, हमने जो अभी एग्जाम्पल देखी उसमें 3 रॉड्स और 3 डिस्क थी, अगर 3 रॉड्स और 3 डिस्क हो ना तो सॉल्व करना आसान होता है, लेकिन यहाँ पे जो है 3 रॉड्स और 4 डिस्क हैं, तो बस एक दफा इसको देख लो कुछ भी नहीं।
आई होप समझ आया होगा। इसी तरह से पांच डिस्क का भी होता है, फिर उसमें आई थिंक रॉड्स भी बढ़ जाती हैं, तो टावर ऑफ हैनोई से गॉन होता रहता है, सात भी होती हैं, आठ भी होती हैं, बढ़ती रहती हैं डिस्क। तो टावर ऑफ हैनोई इतना डन हो गया। अब आते हैं नैपसैक प्रॉब्लम। अच्छा मैं एक मिनट बुक का खोल लूँ, नैपसैक। नैपसैक बेसिकली क्या होता है कि इसके जो नाम में आ रहा है ना नैपसैक, जो सैक है ना, सैक बेसिकली कहते हैं बोरी को, तो बोरी को कहते हैं सैक। तो यहाँ पे भी ना कुछ इसी तरह से बात हो रही है। तो यहाँ पे भी ना एक बोरी की ही बात हो रही है कि आपको एक बोरी मिलती है और आपको उस बोरी का एक वेट मिलता है, एग्जैक्ट वेट, एस्टिमेटेड वेट नहीं होता, एग्जैक्ट वेट होता है कि इस बोरी के अंदर कितना वेट आ सकता है और कितना नहीं आ सकता। ठीक है, तो जैसे हमें फॉर एग्जांपल एक बोरी मिल गई, नैपसैक के सवाल। हाँ अच्छा मैं अभी ये वाला बता दूं ना, फिर मैं इसके बाद बताऊंगी कि नैपसैक के सवाल किस तरह से आएंगे। एक मिनट रुकिएगा, मैं नेट चेक करूंगी। अच्छा तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमें जो है वो कुछ नंबर्स दिए हैं, सही आइटम्स दिए हैं, ठीक है, और उनका जो वेट है वो ये लिखा हुआ है, सही है। पहले आइटम का वेट 11 है, दूसरे का वेट 8 है, तीसरे का वेट 7 है, चौथे का वेट 6 है और पांचवे का वेट 5 है। अब हमें इन्होंने एक सैक दी है और सैक के अंदर जो है हम सिर्फ 20 केजी वेट डाल सकते हैं, 20 केजी से ज़्यादा नहीं डाल सकते, ठीक है। तो अब हमें कुछ इस तरह से कैलकुलेशन करनी होगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर देखो तो अगर हम 8 + 7, सही है, 8 + 7 15, 15 + 5 20, इस तरह से करें तो हमारे पास आ गया 20, सही है, वेट हमारे पास पूरा हो गया 20। तो इसी एक्सप्रेशन को जो है सन ने ये पूरा सॉल्व किया हुआ है, सन ने नहीं सॉरी बुक में। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इन क्या करते हैं कि यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट आइटम आता है ना, जो कि सबसे बड़ा भी है, सही है, सॉरी सबसे बड़े आइटम से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा जो जिसका वेट है वो है 11। जब हमने सबसे बड़ा लिखा तो क्या आया 11, 11 20 में से 11 निकाल दिए, हमारे पास 9 बचे, सही है। अब हमें 9 केजी जो वेट है वो फिल करना है। अच्छा इसके अंदर ये भी होता है कि आपको जितना वेट एग्जैक्ट दिया गया है, जैसे 20 दिया गया है तो वो पूरा 20 का 20 आपने फिल करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 19 फिल कर दिया और कह दिया कि नहीं बस काफ़ी है, पूरा 20 का 20 ही फिल करना है, सही है। तो अब क्या किया कि 20 में जब 11 डाले तो हमारे पास 9 केजी बचे, 9 केजी में अब हमारे पास 9 तो है नहीं, तो हमने उससे 11 से जो छोटा नंबर था वो ले लिया, क्या था 8 जब लिया तो हमारे पास क्या हो गया 19 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 1 बचा, अब 1 तो नहीं है हमारे पास, तो हमने 7 ही ले लिया। जब से हमने 7 लिया तो हमारा नंबर तो बहुत ज़्यादा, जो हमें दिया गया है 20 केजी उससे बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे 26 केजी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 7 को हटा के दूसरा नंबर देखेंगे, ठीक है, 6 देख लिया, 11 + 8 + 6 25 हो गया, ये भी बहुत बड़ा है। 6 को हटा के 5 कर लिया तो 5 जो था वो भी बड़ा हो रहा था, लाइक 24 हो गया, और 5 के बाद तो कोई आइटम है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये 11 तो था, 8 भी था, फिर हमने ये सारे आइटम इसके तीसरे पॉइंट में जब ऐड किया तो नहीं हो पाया।
अब ये जो 8 है ना, इस 8 को हम निकाल के अब हम लिखेंगे 7, सही है? 11 प्लस 7 किया, हमारे पास बचा 2, ठीक है, 2 केजीज बचे। अब हमने 6 लगाया, नहीं बन पाया, 5 लगाया, 20 से ऊपर जा रहा था। अब हमने 7 को हटा के भी 6 कर दिया, 6 के बाद सिर्फ एक ही नंबर है 5, उसको लगाया, नहीं हुआ। फिर 6 को हटा के भी 5 कर लिया, 11 प्लस 5 जो है वो हमारे पास स्टिल 11 प्लस 5 16 होता है, और 5 के बाद कोई आइटम नहीं था, तो फिर हमने नहीं बन पाया। अब हम जो इस 11 है, इसी 11 को चेंज कर देंगे, 11 को आइटम हम नहीं रखेंगे केजी का, अब हम रखेंगे 8 केजी का आइटम। 8 केजी रखा, सही है, फिर हमने उससे छोटा उसके साथ रखा, जैसे 7, 8 प्लस 7 कितना हो गया, 8 प्लस 7 हमारा होता है 15, ठीक है। तो 15 में जब हमने 6 प्लस किया तो ये तो 21 बन रहा था बड़ा, 6 हटा के जब हमने 5 किया हमारा हो गया 20, तो ये हमारा हो गया 20, ठीक है। तो ये इन्होंने इस तरह से समझाया हुआ है कि सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। बस नैपसैक का ये रूल है कि आपको जितना वेट मिला है उतना वेट पूरा फिल होना चाहिए। जैसे अगर 20 मिला है तो 20 ही होना चाहिए, 21 नहीं होना चाहिए, 19 नहीं होना चाहिए, 20.5 नहीं होना चाहिए, 19.5 नहीं होना चाहिए, 20 है तो 20 ही होना चाहिए। अच्छा, अब जो है एक ये जो सर ने पढ़ाया था, बेसिकली सर ने इस जो ये वीडियो है ना, टोटली इस वीडियो से जो है वो सर ने जो एग्जाम्पल करवाई थी वो टोटली यही वीडियो था। इस वीडियो में क्या है कि नैपसैक प्रॉब्लम बनानी है तो ये जो है कुछ मेथड है, ग्रीडी मेथड कहलाता है बेसिकली, के तो इसमें जो है वो सबसे पहले निकाला है ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट, ठीक है। अगर हम सिर्फ इसमें प्रॉफिट की बात करें तो हम काउंट करते हैं प्रॉफिट से, ठीक है। हमारा यहाँ पे वेट दिया गया है 20, 20 से ज़्यादा फिल नहीं होना चाहिए, 20 से कम नहीं फिल होना चाहिए। तो अभी सिर्फ इस वाले पॉइंट को देखें प्रॉफिट के, ये हमें अभी लेना है प्रॉफिट की बात करें क्योंकि हम ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिट में जो है सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा है, 25, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिख दिया 25, ठीक है। तो 25 का वेट कितना था, 25 का वेट था 18, तो 20 में से 18 किलो हमारा फिल हो गया, अब कितना बचा, 2 किलो। अब हमें जो है वो क्या करना है कि प्रॉफिट यही सबसे बड़ा था 25, अब हम इससे छोटे प्रॉफिट को देखेंगे, इससे छोटा प्रॉफिट कितना है, 24, ठीक है, 24 है, लेकिन इसका जो वेट है ना वो 15 है। अगर हम 18 प्लस 15 करें तो हमारे पास 33 किलो बन रहा है, जबकि हमारे पास इतनी लिमिट नहीं है, हमारे पास सिर्फ 20 केजी में से 18 फिल हो चुका है, सिर्फ 2 केजी की लिमिट बची है। तो अब हम क्या करेंगे कि क्या करेंगे, 25 को कर देंगे प्लस 2 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 24, 24 क्या है, जो हमारा इसका प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये भी है कि जब हमारा, जब हम सिर्फ इसका 2 केजी वेट ले रहे हैं तो उस 2 केजी के हिसाब से जितना हमारा प्रॉफिट बनेगा ना, प्रॉफिट भी हमें बस उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमने इसका सिर्फ 2 केजी वेट ले लिया लेकिन प्रॉफिट हमें पूरा 24 मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। जितना वेट लेंगे उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। इसका हमने पूरा वेट लिया तो पूरा प्रॉफिट मिला, इसका हम सिर्फ 2 केजी ले रहे हैं तो 2 केजी ही, तो 2 केजी के बराबर ही जितना प्रॉफिट बन रहा है वो मिलेगा। तो अब जब हमने इसको सॉल्व किया, 2 अपॉन उसको पूरा सॉल्व किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 28.2, ठीक है। इस मेथड को अगर नहीं भी समझ आ रहा तो इट्स ओके, और अगर समझना, क्योंकि जो मेन ये ना सिर्फ कुछ प्रूफ करने के लिए हमने किया है, ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट, ग्रीडी अबाउट वेट, असल जो है वो ग्रीडी अबाउट बोथ है, ठीक है। तो ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट जब किया तो हमारे पास आया 28.2, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या ये हमारा बेस्ट आंसर है, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये हमारा बेस्ट आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने नहीं निकाला कि हमारा ग्रीडी अबाउट वेट पे क्या आंसर आ रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि हमारा बेस्ट आंसर है। तो अब क्या करेंगे, जब हमने ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट निकाल लिया तो अब हम निकालेंगे ग्रीडी अबाउट वेट, ठीक है, जहाँ पे हम सिर्फ वेट पे फोकस करेंगे। अब हमारे पास जो सबसे वो आता है, बड़ा वेट आता है,
मिनट, हाँ, जो हमारे पास सबसे छोटा वेट होता है ना उससे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम प्रॉफिट में क्या कर रहे थे कि हमारे पास जिसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है तो हम उससे स्टार्ट करते हैं, यानी 25 से किया था। वेट में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो सबसे छोटा वेट आता है ना हम उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ये है हमारे पास 10 kg, तो हम करेंगे 10 kg से स्टार्ट। 10 kg का हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 15, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख दिया 15, ठीक है, प्रॉफिट का लिखा है 15। अब हमारे पास का वेट कितना था? 10 kg। जब हमने 20 में 10 फिल कर दिया तो हमारे पास 10 बच गया, ठीक है। अब इस 10 kg से वेट जो बड़ा है वो क्या है? 15 kg, ठीक है। तो अब 15 kg है हमें जबकि 10 kg चाहिए, तो सिंपल 10 ÷ 15 × 24 कर देंगे, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास क्या आया है? 31, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो जब हम ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट थे तो हमारे पास कितना प्रॉफिट बना था? 28.2। जब हम ग्रीडी अबाउट वेट हुए तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया? 31 हो गया प्रॉफिट, जो कि 28 से बड़ा है। लेकिन हम अभी भी श्योर नहीं है कि क्या ये हमारा परफेक्ट आंसर है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए फिर हम करते हैं ग्रीडी बाय बोथ। तो थोड़ा सा वीडियो आगे कर देती हूँ, सही है। अच्छा, ग्रीडी बाय बोथ में क्या करते हैं कि हम प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये 25 प्रॉफिट है, ये वेट जो है 18 है। 25 डिवाइडेड बाय 18, 24 डिवाइडेड बाय 15, 15 डिवाइडेड बाय 10, क्या आ गया हमारे पास? 1.3, 1.6, 1.5, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे हाईएस्ट से, तो हमारे पास सबसे हाईएस्ट क्या है? 1.6, ठीक है। तो 1.6 का जो है वो हमारा प्रॉफिट कितना है? 24 प्रॉफिट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24, सही है। हम जा रहे हैं इस पर, इसका जो हमारा वो प्रॉफिट है कितना है? 24, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 24, और क्योंकि इसका जो वेट है वो 15 है तो 15 हमारा फिल हो गया। अब हमें सिर्फ चाहिए 5 kg मोर। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो हमारा कितना है? 1.6 से छोटा 1.5 है, तो 1.5 का वेट क्या आ रहा है? 10। 10 को क्या करेंगे हम? डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, सही है। तो 5 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 15, जो कि इसका प्रॉफिट आ रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? टोटल 31.5, सही है। तो इसकी सिर्फ इतनी ही इक्वेशन याद करनी है, इस इक्वेशन के अलावा कुछ भी नहीं याद करना। अच्छा, और इसमें एक बात है, वीडियो के अंदर ये वाली बात कही गई थी कि ये जो ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट और ग्रीडी अबाउट वेट है ना, ये नहीं आपने करना। आपने जो करना है क्या करना है कि सिर्फ ये जो थर्ड मेथड है ना, ग्रीडी बाय बोथ, इससे सॉल्व करना है, सही है। तो जो ऊपर के दो मेथड है ना वो सिर्फ बताने के लिए कि जब आप ग्रीडी बाय प्रॉफिट होते हैं, ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट, तो आपका 28.2 बना। जब आप ग्रीडी अबाउट वेट हुए तो आपका 31 बना। लेकिन आप जब ग्रीडी अबाउट बोथ हुए तो आपका सबसे हाईएस्ट आंसर आया, जो क्या है? 31.5, सही है। तो हम क्योंकि चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, तो हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में बना? ग्रीडी बाय बोथ में, यानी कि वेट को भी देगा प्रॉफिट को भी देगा, तो हमारा क्या बनना? 31.5। तो ये हमारा आइडियल आंसर आता है और यही वाला मेथड हमारा फाइनल होता है जिससे हम सॉल्व करते हैं। तो नैपसैक हमारा बस इतना ही है। सर भी ऐसे ही कर सकते हैं कि सर जैसे यहाँ पे प्रॉफिट और वेट है तो सर ने वैल्यूज को चेंज कर दिया, और अभी यहाँ पे सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो सर ने कोई 6 ऑब्जेक्ट्स दे दिया, तो फिर उसको इस तरह से हम सॉल्व कर करके ये पूरा ग्रीडी अबाउट बोथ कर देंगे। या अगर सर कह देंगे ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट और वेट करो, तो फिर वो इन वाले मेथड से करना पड़ेगा, सही है। बस इससे ज़्यादा आगे मैं और कुछ नहीं पढ़ा रही। आप लोग जो है वो उसामा अहमद ने जो वीडियो भेजा था उससे लिंक लिस्ट और सिंगली डब्ली दोनों का उसने वीडियो अपलोड किया है, वो देखिएगा। और उसके अलावा वो और भी अपलोड करेगा तो वो आप देख लीजिएगा। और कोड जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो बबल सॉर्ट का कोड है, लिंक लिस्ट का कोड है, और उसका है कोड स्टैक और क्यू का होगा। लेकिन जो सबसे हाई प्रायोरिटी पे है ना वो बबल सॉर्ट है, और
लिंक लिस्ट है, तो इस वाले कोड को सबसे पहले करिएगा, बाकी कोड को फिर बाद में देखिएगा। सही है, आप में से किसी और को कुछ और समझना है तो सही है, नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड कर देते हैं। एजोमटिक एनालिसिस रहते हैं वो, मैंने खुद भी अभी तक नहीं समझे हैं, मैं जैसे ही समझूंगी तो फिर मैं आप लोगों को भी समझा दूंगी। सही है, मैं फिर मीटिंग एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।